शख्सियत को दावत देने लगा हूं इस कलेक्शन की इतना ऑब्जर्व करते हैं अपने ड्रेसेस को, इतनी कलेक्शन करते हैं तो पता नहीं काम पे कहां पे बैठे थे। तो ऐसी शख्सियत जिसका जिक्र मैं आपसे करूंगा, आप लोग वैसे ही एक्सपीरियंस कलेक्शन, मतलब कलेक्शन उनकी जान है, वो कलेक्शन की आन है। हर बंदा कलेक्शन में उनको जानता है, बहुत कम बोलते हैं, ना किसी को बोलने देते हैं, ना खुद ज्यादा बोलते हैं। तो आप लोगों की बहुत ज्यादा तालियों में अदील हफीज। पप कहते हैं बड़ा नाम कर दो, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल। अदील साहब कैसे हैं आप? सर आपने जवाब दिया, मेरे मुंह पे चिपके आ रही है। इस यार करनी कलेक्शन पीनी जूस बढ़िया। आप भी कोई सर है क्या? हूँ, कैसी मुबारक हो, कैसी हो गया आपकी शादी? चावल सुनिए यार, सस्ते हो गए सर। चावल सस्ते हो गए इसका मतलब किसी की जिंदगी तबाह कर देंगे क्या? सर एक बस बात है, शादी क्यों नहीं करते? क्या क्या तकलीफ है, मतलब के क्या? एक्चुअली यार मेरे फ्रेंड से हैं वो परसों आए हैं हॉलैंड से। सर आपका फ्रेंड से शादी से क्या ताल्लुक है सर? बस चुप कर यार, राइट चलिए, जब बात पूरी हो जाएगी। मैं मजीद इसके ऊपर कोई बहस करूं अच्छा नहीं लगता, किसी की पर्सनल लाइफ है, बाद में रहना भी तो है ना उनके साथ। तो आप लोगों की भरपूर तालियों में मैं एक ऐसे अब करेक्टर को बनाने लगा हूं कि जिसको बहुत सारे इनिशिएशन के लोग जानते होंगे, कलेक्शन के लोग, तो अगर सुबह सवेरे वो बंदा मिल जाए सुनेंगे तो नहीं। भैया साहब, खड़ू साहब, खड़ू साहब, अभी तो मैं जवान हूं। सर बात सुन लें सर। दिमाग को आदर ना जान के जी और कान खोल के सुन ले। ऑलराइट बॉस, ऑलराइट।
मैं एक वो जवान नहीं हूँ जो यहाँ पे चल रहे हैं, ठीक है ना, मैं एक शादीशुदा जवान हूँ, 34 साल उम्र है मेरी, एक्सपायर हो गए बहुत सारे ना, मेरी इतना दिमाग है कि सुबह पहले बीवी वो नाश्ता नहीं देती, फिर बच्चे की मिन्नत करना पड़ती है, उसको स्कूल छोड़ के आता हूँ, वो पैसे नहीं दे रहा है, क्या करूँ बताएं इसका, सुल्तान कोटा पैसे नहीं दे रहा है, बूढ़ी होगी बहुत छोड़ देना मेरे से यार, इंसान का बच्चा बन जाए इंसान का, समझा रहा हूँ, नहीं जा फारो हो जाएगा, ठीक है ना, तुम्हें अभी जमा 9 दिन हुए हैं, तरीका नहीं पता तो मेरे से पूछो, ठीक है ना, हम बैठे हैं यासी मकसद के लिए, बोलो ब्लड ओवर हो जाएगा, बोलेगा भाई उसके पैसे देगा, ठीक है, अमजद का बाप आज पर गया है, उसकी माँ से मैं पैसे लेकर आऊंगा, माँ बहुत बदतमीजी कर रही है, इसकी पैसे नहीं दे रही, यार अपना बाइक लेके आना, मुझे एक पेप्सी पिलाना, मैं साथ ले जाऊंगा, पेप्सी पिलाए आपको, अकाउंट अब निकालते नहीं है, रजा की खाला रजू की शादी है, अच्छा ठीक है ना, उसकी दूसरी शादी है, तलाक हो चुकी है, ठीक है, जब उसकी शादी हो जाएगी मेरी बात करा देना, मेरा नंबर उठाती है सिर्फ, आपका नाम लिख दो उसके ऊपर, हाँ लिख दो मेरा सजाद खड़ूस नाम लिख दो, ठीक है ना, और बहुत इसका क्या रिलेशन होगा, सीन क्या पार्ट यार हो जाएगा, अगर ज्यादा मसला हुआ ना तो 30 को बता देना, मैं 90 में निकाल दूंगा, सजाद साहब बातें किए जा रहे हैं, हमारे भी कुछ सुन ले सर, सुने आपका अवार्ड आ रहा है, आपको पता है इस बात का, अच्छा जी सर आपका अवार्ड आ रहा है, सारी बातें पेप्सी भी है पहले बात, नहीं नहीं पेप्सी सर बाद में, आपका अवार्ड आ रहा है शाम तक की बात है, आपने तैयार होकर आप क्या कर रहे, टाइम ही नहीं हमारे पास, तो यार शेव करा के फिर कर लूंगा, नहीं नहीं सर शेव को छोड़ें, टाइम मैं अभी 4 बजे बुला लिया, सुमेर साहब खुद क्या कहेंगे यार, सुजाद आए तो विजिट नहीं कर रहे, सुजाद साहब फिर क्या कर रहे हैं अवार्ड का, आप इन्फॉर्म करेंगे, ठीक है मैं एप्लीकेशन लिख देता हूँ, यार A4 का एनवेलप लेकर भाग के जरा, हेलो हाँ बेटा पापा बात कर रहा हूँ तुम्हारा, नहीं नहीं मामू नहीं पापा बात कर रहा हूँ, बेटा मैं नेमरो बैंक से, आज पता है आपको मुझे अवार्ड मिला है, हाँ किस करो पापा को शीटी, शाबाश शाबाश, और मामा को प्लीज कह देना कि आज दिन का खाना मेहरबानी करके पका ले, बर्तन में आके धो लूंगा, ओके थैंक यू, तो आप